शान साधना मतलब शमशान को अपना अनुकूल बनाना, चिल्लाता रहा, सबको मुर्दों को उठाता रहा, कोई है कोई है कोई नहीं। अघोर में ये कहते हैं कि सभी वासनाओं से मुक्त हो जाओ, उसे एक बार भी आवाज दें तो वहां तक पहुंचनी चाहिए। आत्मा से मिलन नहीं करवाया। अच्छा। जिसके बाद में हमारे गुरुजी के पास में आए तो गुरुजी ने डायरेक्ट शमशान भेज दिया बिना मंत्र के, चले जाओ शमशान। ऐसे 7 दिन तक डेली आना जाना हुआ, अकेले और मंत्र भी कोई नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। 2-3 दिन डर रहा, धीरे धीरे फिर जैसे डर गायब हुआ मैं धीरे धीरे घूमता रहा, चिल्लाता रहा, सबको मुर्दों को उठाता रहा, कोई है कोई है कोई नहीं है। इसके बाद में गुरुजी ने मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया गया और उसके द्वारा साधना करवाई गई। उस शुरुआत में 7 दिन की साधना थी, फिर 1.25 महीने की दे दी कि 7 दिनों में कुछ फल मिलता है तो आगे करना है। अच्छा। तो 7 दिन में वो मतलब आमने सामने बातचीत होने लगी, बातचीत होती रही। जैसे पहले तो शुरुआत में आभास हुआ कि कोई आ रहा है जा रहा है, हल्का सा आभास हुआ। 3 दिन बाद में फिर मुझे लगा कि कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर कंप्लीट बातचीत होने लगी। मुख्य 3 साधनाएं आती है, शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। शमशान साधना में ये होता है कि शमशान की जितनी योनियां होती है, शमशान साधना मतलब शमशान को अपने अनुकूल बनाना, वहां जितनी भी योनियां रहती है उसको सबको अपने अनुकूल बनाएंगे तभी तो साधना करने देगा। उसमें कई साल लग जाते हैं सबको कंट्रोल कर, कोई भी आत्मा को आप प्रेम से कंट्रोल नहीं कर सकते, तामसिक होना पड़ता है आपको। शमशान की, फिर सव साधना, ये शिव साधना की, उसके बाद में सव साधना। सव साधना मतलब डेड बॉडी पे बैठ के उसको जिंदा करके जो क्रियाएं होती है वो सव साधना। उसमें जिंदा आप कितनी देर के लिए करते हो? 10-15 मिनट के लिए बस। नहीं देखो, वो कुदरती लेख होता है, जिसकी मृत्यु जब लिखी होती ना, इसमें शरीर में बुला के सब साधना से क्या किया जाता है। कुछ ऐसे राज होते हैं जो घरवाला जानना चाहते हैं, घरवाले जानना चाहते हैं पर वो बताने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो सब साधना से उसको कुछ पल में जीवित किया जाता है, कुछ पल के लिए, जो कुछ उससे जानना है, जानकारी लेने के लिए। परमानेंट आप जिंदा नहीं कर सकते हो, वो तो भगवान का काम है। सुनिए, इसकी मैं बताता हूँ। अकाल मृत्यु जो मरता है ना जी, वो जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती तब तक उसकी आयुष पूरी ना हो। देखो, अकाल मृत्यु आप किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी मृत्यु होती है काल के, उसके जो कर्मों के आधीन। वो कितने भी अच्छे कर्म कर ले पर कुछ ऐसी गलती होती है कि उसको अकाल मृत्यु होती है, उसकी एक्सीडेंट में मारा जाता है या अचानक कुछ हार्ट अटैक वगैरह आता है, तो जो उसके बाकी दिन रह जाते हैं उम्र के, तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी और उससे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी या पुनर्जन्म भी नहीं होगा। मुक्ति अघोर में तो मोक्ष नहीं मानते हैं। मोक्ष यानी जीवन मरण के चक्कर से बच जाना, मुक्ति वही है। पर ऐसा आज तक तो हुआ नहीं, और जितनों को मुक्ति मिली किसी ने बताया भी नहीं कि होती भी है या नहीं होती है। तो जो शास्त्रों में लिखा गया ना कि मोक्ष पाने के लिए करते हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ करना तो व्यापार हो गया, तो वो भी एक लालसा है ना, कि आप इस लालसा से भक्ति कर रहे हो। जब कुछ लालसा से करोगे तो भक्ति कहाँ से पूर्ण हुई। अघोर में इसको उल्टा समझते हैं, आप जीते जी सभी वासनाओं से मुक्त हो जाओ, इससे बढ़कर कोई मुक्ति नहीं। गुरु जी एक पॉइंट मिस कर गए हम लोग। हाँ, साधना 3 तरह की आपने बताई। हाँ, शिव साधना के बारे में नहीं बताया।
शिव साधना, जब आप शिव के स्वरूप को पालोगे, अवधूत अवधूत हो जाओगे, शिव स्वरूप पालोगे, उसकी तरह भोले भी बनोगे, उसकी तरह गुस्सेल भी बनोगे। मतलब जो पहले शमशान को अपने अनुरूप बना लिया, तभी तो शिव को पाने के लिए वो आपको हेल्प करेंगे आत्माएं। इस बात भाव से जितनी सेवा करोगे उतनी ज्यादा अनुभूति होगा और दर्शन भी होगा। मगर वो स्पेशली कोई चीज पाने के लिए आप कुछ करते हो तो कुछ नहीं हासिल होगा। अघोर में ये कहते हैं कि सभी वासनाओं से मुक्त हो जाओ, मतलब कुछ पाना करना ये सब छोड़ दो। हाँ, अपने सच्चे मन से करो, दिखावा भी नहीं करना है। दिखावा नहीं करना कि माला लेके बैठना, ये दीपक जलाना, इस दिशा में बैठना, इस समय बैठना, कोई नाटंकी नहीं। जैसे हो ऐसे मन से करो और उतनी संख्या में करो जितना आपका मन मानता है। कोई काउंटिंग वाउंटिंग ऐसा नहीं कि इतने लाख मंत्र कर लो, ये कर लो। आप देखो दिशा तो हर दिशा भगवान की होती है, हर पल शिव का है, हर सेकंड उसका है, हर दिशा है उसकी, कण कण में वो है। तो कौन सी दिशा पूरी है और सब समय उसी का है। अगर एक पल भी भगवान ना रहे तो विनाश हो जाएगा, सब प्रलय हो जाएगा। देखो वो मैं नहीं बता सकता, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। गुरु साधना है, गुरु के दी हुई जितनी साधना है, दी हुई साधना है और किस में क्या पाया वो सब मेरा बैलेंस है, बैंक बैलेंस है। तो आप अपना बैंक बैलेंस किसी को दिखा नहीं सकते, मैं क्यों दिखाऊं। सभी सिद्धियां हासिल की जा सकती हैं, ये सभी सिद्धियां हैं। देखो जितने अपने शास्त्रों में लिखे हैं ना, वो सभी सिद्धियां हैं। पर जो ये नेट वाले बताते हैं ना कि 7 दिन में ये सिद्धि, 8 दिन में ये सिद्धि, वो संभव है ही नहीं। हमने हजारों साल खोए तपस्या में, वो 7 दिन में सिद्धि हो जाती तो हम इतना समय क्यों खोते। कोई सिद्धि देखो पूर्ण नहीं होती जब तक आपको उसको किसी भी साधना में लगे हो, जब तक उसकी प्राप्ति ही नहीं होती तब तक लगे रहना है। आप जितनी लगन से एकाग्रता से करते हैं उतना कम समय लगेगा, और वहां आपका दिमाग ही नहीं है वैसे मंत्र जाप कर रहे तो क्या मिलेगा। 40 दिन पूरे करने हैं, टारगेट रहेगा 40 दिन, दिमाग में ये रहता है 1000 जाप करना है। हाँ, तो 1000 जाप करना है तो आपका ध्यान कहाँ गया, काउंटिंग जाप पे। काउंटिंग वो माला टूट जाएगी, माला आ गया, मेरू आ गया, मतलब एक माला हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। और जिसके लिए आप कर रहे हो साधना उस पर ध्यान ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। कोई काउंटिंग नहीं करना है, दिल से करो, अपना दिल से एक बार भी आवाज दें तो वहां तक पहुंचनी चाहिए। खाना पीना सब है, पर अघोर का एक नियम है, किसी भी चीज में फर्क नहीं करते आप। अच्छा खाना या बुरा खाना, शाकाहारी या मांसाहारी, दिन रात घर नारी सुख दुख, मतलब कुदरत ने हर चीज सिस्टम जोड़े में बनाया ना, कि जोड़े में से किसी से भी घृणा नहीं करनी आपको। तो अच्छा मिले तो अच्छा खाना है, बुरा मिले तो बुरा खाना है। और दूसरा, क्या आप शमशान में रहोगे तो शमशान में क्या अच्छा खाना मिलेगा आपको? तो वहां पत्थर को भी खा सकते, हड्डियां चबा सकते। और शमशान में रहने का मतलब क्या होता है, शमशान से बड़ा हवन कुंड नहीं है, जहाँ पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, तो उससे बड़ा हवन कुंड कौन सा है। तो वहां रह के साधना करना। और दूसरा उसका रीजन है कि वहां शमशान में ना कभी कभार इंसान आएगा किसी को जलाने के लिए, और रात में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो रात्रि का समय और शमशान का स्थान इसीलिए चुना गया कि साधना में एकांत बना रहे। घर वालों से देखो, साधु बनने के बाद आप घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक शुरुआत की जो साल भर के बाद में आपको एक भिक्षा माँ के या बहन से आपसे लेनी पड़ती है, तब भी आप घर में एंटर नहीं हो सकते। घर के दरवाजे तक जा, अलग जगाओ, भिक्षा लो और वापस तुरंत। अकेले नहीं मिल सकते वो। अच्छा, हाँ, अभी भी आज उनको कोई भी काम में मिलना है तो जैसे जनरल लोग आते हैं तो उनके साथ में आएगा, वहां भी अकेले नहीं आ सकते। इसलिए आ जाते हैं घर वाले। हाँ। तो एक वो भावनात्मक रिश्ता होता है। हाँ। तो साधु के लिए वो घातक होता है कि वापस उसी दुनिया में आप वापस जुड़ रहे हो।